नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी 3 की प्रीमियर एपिसोड के दौरान शिवानी कुमारी जो कि यूपी की शान है, उन्होंने पूरी तरह से अपने डांस परफॉर्मेंस से पूरी तरह से अपने रंग बिखेरे। और इसके साथ साथ अनिल कपूर जो कि शो के होस्ट हैं, वो शिवानी कुमारी से इस कदर इंप्रेस हुए कि उन्हें दे दिया सबसे बड़ा किताब, एक ऐसा किताब जिसे पाकर शिवानी कुमारी जो है कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। शिवानी कुमारी बहुत ज्यादा झूम उठी। अब ऐसा कौन सा किताब दिया अनिल कपूर ने शिवानी कुमारी को, यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों हम आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। शिवानी कुमारी जो कि जिनके भोलेपन अंदाज से पूरी तरह से इंटरटेन करने के लिए बिग बॉस ओटीटी 3 के घर के अंदर लॉक होने के लिए आ चुकी है। शिवानी कुमारी जो कि काफी अच्छी डांसर भी हैं, और भले ही उन्हें डांस करना ना आता हो, लेकिन अपने लटको झटकों से सभी को पूरी तरह से अपना दीवाना बना सकती है। अब वो शिवानी कुमारी जो है जब डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई, तो इनका डांस परफॉर्मेंस जो था काफी अलग था, काफी यूनिक था, और अपने यूनिकनेस अंदाज के चलते जो है यहां पर शिवानी कुमारी के डांस परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुए अनिल कपूर। अनिल कपूर ने सीटियां बजाई। जी हां, अनिल कपूर ने सीटियां ना सिर्फ बजाई बल्कि अनिल कपूर ने यहां पर शिवानी कुमारी की तारीफ भी करी और शिवानी कुमारी को आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम एंड तक रहोगी, ये बात भी कहा, और शिवानी कुमारी को श्रीदेवी से कंपेयर करते हुए दिखाई दिए यहां पर कोई और नहीं बल्कि अनिल कपूर। अनिल कपूर पूरी तरह से तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए। शिवानी कुमारी ये सारी की सारी बातों को सुनने के बाद पूरी तरह से यहां झूम उठी और उनका दिन ही बन गया और अपनी नई जर्नी की शुरुआत करते हुए नजर आई शिवानी कुमारी बिग बॉस ओटीटी 3 के घर के अंदर जाने के बाद। तो ये चीजें जो हैं आप सभी दर्शकों को जो है देखने को मिलेगा दोस्तों बिग बॉस ओटीटी 3 के घर के अंदर। सो कितने ज्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीजों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।